हे दोस्तों, तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन से लेके सबसे शांति प्रिय देशों की लिस्ट में शामिल जापान को ज्यादातर देश पसंद करते हैं। नई टेक्नोलॉजी और अपनी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर जापान में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जापान की कुछ अजीबोगरीब और अनोखी चीजों के बारे में जो उसे बाकी देशों के से काफी अलग बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर वन। नॉर्मली हम जब भी कहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ का एड्रेस देखते हैं और उस एड्रेस में गली नंबर भी शामिल होती है। क्यों, ठीक कहा ना? लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ज्यादातर गलियाँ बेनाम है। जी हाँ, उन गुमनाम नलियों का कोई नाम नहीं है। गुमनाम है कोई। खैर, अब बात कर लेते हैं नंबर टू। आपने मेट्रो से लेके इंडियन रेलवे ट्रेन में जब भी कभी सफर किया होगा तो देरी या लेट लतीफी टाइमिंग से आपका सामना जरूर हुआ होगा। लेकिन जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो ये बात वहाँ के न्यूज़पेपर की नेक्स्ट डे की हेडलाइन बन जाती है। 2017 में जापान में मात्र 20 सेकंड की देरी करने पे रेलवे ने वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगी थी। जापान टाइमिंग को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है, लिहाजा वहाँ के लोगों में टाइमिंग की भी बहुत ज़्यादा कद्र होती है। अब तक वहाँ की सबसे फास्ट ट्रेन के लेट होने की टाइमिंग ज़्यादा आधा मिनट की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान इस मामले में कितना परफेक्शन रखता है। आई होप हर देश ऐसे हो जाए। बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री। हम सफाई को लेकर के अपने बच्चों में बचपन से ही ये सीख देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं, लेकिन जापान में फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही अपने बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी सिखाई जाती है। सभी बच्चों को मिलजुल के काम करने रहते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे तो बच्चों को भी टॉयलेट रूम साफ करने पड़ते हैं और इसे वहाँ के लोग कल्चर कहते हैं। बात करते हैं नंबर फोर। अगर आप कभी भी यहाँ पे जाएं तो यहाँ की फेडिंग मशीन जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि हम हमेशा ही इन वेंडिंग मशीन को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक के लिए यूज होते हुए देखते हैं। लेकिन जापान दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में वेंडिंग मशीन पाया जाता है। यहाँ पे करीब 23 लोगों के पीछे एक मशीन का यूज होता है। ऐसा होने के पीछे ये माना जाता है कि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा हैं और यहाँ पे रिटेल शॉप खोलने के लिए जगह की कमी है और ज्यादा पैसों के इन्वेस्टमेंट से बेहतर है कि वेंडिंग मशीन का यूज किया जाए। अब बात कर लेते हैं नंबर फाइव। ऑफिस में सोना यानी काम चोरी। अब आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल आम बात है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जापान में ऐसा करने वाले लोगों को काफी मेहनती समझा जाता है। वहां का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के टाइम सोने की पूरी परमिशन देता है। जहां पे बाकी देशों में अगर आप काम के दौरान थोड़ी सी झपकी भी ले लेते हैं तो आपकी नौकरी तक चली जाती है, लेकिन अगर आप जापान में हैं और काम के टाइम आप थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं तो आप आधे घंटे की नींद ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर सिक्स। जापान में एक जंगल है। अब आप कहेंगे यार जंगल कहाँ नहीं होता, तो रुकिए, तो जंगल होता तो हर जगह है, लेकिन जापान के इस डरावने जंगल जैसा शायद ही कहीं होगा। आमतौर पे जंगल में लोग घूमने फिरने, जंगली जानवरों को देखने या तो सैर सपाटे के लिए जाते हैं, लेकिन जापान में एक ऐसा जंगल जहाँ पे लोग सुसाइड करने जाते हैं। जी हाँ, क्या हुआ, शौक हो गए ना? लेकिन ये सच है, जापान में एक ऐसा जंगल है जिसे ओकीगाहारा जंगल कहा जाता है, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हर साल करीब 1000 लोग सुसाइड करने आते हैं। अब बात करते हैं नंबर सेवन। जापान के पास एक चीज है जो बाकी देशों से उसे सबसे अलग बनाती है, जो सिर्फ आपको जापान में देखने को मिलेगा, और वो है कैप्सूल होटल। जापान ने 1979 में कैप्सूल होटल लॉन्च किया था। इसमें उसने काफी छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक ही इंसान सो सकता है और यह काफी कंफर्टेबल भी होता है, जिसमें लोग काफी सेफ फील करते हैं और आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी बड़े व्यापारी या तो शराबी लोग आकर के रात बिताते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर एट। जापान के इस फैशन का ट्रेंड तो शायद ही आपको किसी और देश में देखने को मिले। यहाँ की लड़कियाँ अपने सीधे और सेट दांतों को टेढ़ा दिखाने में काफी दिलचस्पी रखती हैं। इस अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के लिए एक छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा करके लड़कियाँ अपने टीथ में चेंजेस लाते हैं।
अब बात कर लेते हैं नंबर 9, जापान में लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का यूज करते हैं। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ ट्रेन में एडजस्ट करने के लिए पुशर रखे जाते हैं। जापान में इन्हें ओशिया कहा जाता है, जिनका मतलब होता है धक्का देके लाइन में लगाना। स्टेशन पे मौजूद इन पोशियर लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सभी मुसाफिर ट्रेन में सवार हो जाएं और कोई भी दरवाजे के बीच ना फंसे। यह काम करते समय ज्यादा ज्यादा लोगों को बिना चोट पहुंचाए ही कैरिज पे चढ़ा दिया जाता है। सभी लोगों के सवार होने के बाद जब पुशर इशारा करता है तभी ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अब बात करते हैं नंबर 10, जापान के लोगों को अकेला ना फील हो इसके लिए वहाँ पे एक खास पिलो का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वहाँ पे फीमेल की बॉडी के जैसे पिलो और मेल की बॉडी के जैसे पिलो बनाए जाते हैं, जिसे लोग काफ़ी दिलचस्पी के साथ खरीदते हैं और उसे अपने पास रखते हैं ताकि वो रात में अकेला फील ना करे। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट नंबर की। जापान में लोग सफाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, लिहाजा वहाँ के लोग अपने घरों को अलग अलग जोन्स यानी जो साफ और गंदे दोनों डिपार्टमेंट डिवाइड करके रखते हैं। इस दौरान लोग ये भी सुनिश्चित करते हैं कि इन दोनों जगहों के बीच सफाई बनी रहे और इसके लिए वो अलग अलग स्लीपर का यूज़ करते हैं, जैसे टॉयलेट, बाहर जाने के लिए लिविंग रूम, बेडरूम, सब के लिए अलग अलग स्लीपर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये है जापान से जुड़ी हुई कुछ अनोखी और अजीबो गरीब बातें जो शायद ही कहीं और आपको देखने या सुनने को मिले। तो इस लिस्ट में कई और चीज़ें भी शामिल हो सकती थी, लेकिन उन सब पे बात फिर कभी और करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय।